हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेट मिक्स मैकेडम के बारे में, जो कि जिसे कहलाते हैं WMM, जो कि एस्पर्ट के नीचे वाली लेयर है। जैसे कि DBM के नीचे सबसे पहले जो सुपीरियर लेयर है वो WMM है। और अगर आपने देसी इंजीनियरिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपके नॉलेज में गेन होते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एम्बैकमेंट के ऊपर सबग्रेड के ऊपर GSB फिल्टर लेयर आपने देखा, ग्रैनुलर सबबेस। अगर आपने GSB और सबग्रेड की वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ ज़रूर देखिएगा। अभी शुरू करते हैं WMM के बारे में। WMM का मतलब आपने देख लिया, वेट मिक्स मैकेडम। इसका थिकनेस लमसम 200 से 250 mm होता है, डिज़ाइन के हिसाब से चेंज होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसके डेफिनेशन के बारे में। तो WMM कंसिस्ट ऑफ लेइंग एंड कॉम्पैक्टिंग क्लीन क्रस्ट ग्रेडेड एग्रीगेट एंड ग्रैनुलर मटेरियल प्रीमिक्स विथ वाटर टू अ डेंस मास ऑन अ प्रीपेड सबग्रेड। बोलने से हम लोग बता सकते हैं कि जो एग्रीगेट्स होते हैं डिफरेंट ग्रेडेशन का, वो हमको प्रीमिक्स यानी हम लोग उसको प्लांट में मिक्स करा के लाते हैं और उसको साइड पे लेड करके उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, उसे हम लोग WMM कहते हैं। इसमें हम लोगों का फ़ायदा क्या है कि हम लोगों को वाटर ऑब्जर्वेशन कम होता है और क्वालिटी बढ़िया आती है। तो उसका फंक्शन क्या है, इट इज़ एक्ट एज अ बाइंडिंग लेयर बिटवीन GSB एंड बिटुमिनस लेयर। हमारे GSB और बिटुमिनस लेयर के बीच में का ये बाइंडिंग है, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू पेवमेंट एंड हेल्प डिस्पर्सिंग ट्रैफिक लोड्स टू दी लेयर्स बिलो। हम लोगों का जो ट्रैफिक का लोड आने वाला है पेवमेंट के ऊपर, उसको इक्वली नीचे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इसका काम है और जो कि पेमेंट को सपोर्ट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर कन्वेंशनल WBM वाटर बाउंड मैकेडम। एक इसके पहले आता था, अभी उसको हम लोग नॉर्मली गांव के रोड में यूज़ करते हैं। अभी हम लोग जो भी नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे उसमें WMM ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका सुपीरियर ग्रेडेशन है, उसके बाद फास्टर रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन जल्दी होता है, पानी की खपत कम हो जाती है और हायर स्टैंडर्ड ऑफ डेंटिफिकेशन, बोले जिसके जो हम लोग अच्छे से कॉम्पैक्ट कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी अचीव हो जाती है हायर स्टैंडर्ड्स के साथ। देखते चलिए मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो इसमें क्रस्टोन है, आप इधर इसके ऊपर देख रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। बाइंडर कौन सा, लाइमस्टोन डस्ट है, कंकर डस्ट है, स्क्रीनर सच एज मुरूम क्रस्ट और ब्रंड ब्रिक्स शाल सेटिस्फाई दी ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट एज विल बी एक्सप्लेन शॉर्टली। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रशड सिंगल्स, क्रस्ट ग्रेवल, क्रस्ट स्टोन और लाइमस्टोन डस्ट, ये सारी हम लोग यूज़ करते हैं WMM में। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि इसमें मशीनरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी। WMM प्लांट चाहिए, जैसे कि मान लीजिए हमको कितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारा प्लांट का कैपेसिटी कितना है कि हम लोग एक दिन में या एक घंटे में कितना निकाल सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमको WMM प्लांट चाहिए। एक डंपर चाहिए, मान लीजिए एक डंपर में हमारा 15 क्यूबिक मीटर जा रहा है, 10 से 15 क्यूबिक मीटर, तो हमको दिन में कितना क्यूबिक मीटर डालना है, उसका लीड कितना है, यहाँ से कितना किलोमीटर जाएगा, कितना टाइम उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में जाए लाने में जाएगा, उसके हिसाब से हम डंपर की रिक्वायरमेंट निकालते हैं। उसके हिसाब से हम लोग हमको मोटर ग्रेडर भी चाहिए, जितना हमने डंप किया उसको ग्रेडिंग करना है, तो 75 क्यूबिक मीटर पर घंटे के हिसाब से हमने अगर कैपेसिटी पकड़ी मोटर ग्रेडर की, तो उसके हिसाब से हमको कितने मोटर ग्रेडर चाहिए। वाइब्रेटरी रोलर है, उसके बाद 8 से 10 टन का स्टैटिक वेट है उसका, और उसकी कैपेसिटी 80 MQ पर आवर है। उसके बाद 2 टन स्टैटिक रोलर है, जो कि छोटा वाला वाइब्रेटरी रोलर हम यूज़ करते हैं, वो बैकफिलिंग के लिए यूज़ करना पड़ता है, जहाँ भी हम लोगों को WMM स्ट्रक्चर के पास डालना है, बहुत ही ज़रूरी है कि वह बड़े रोलर नहीं चल पाते तो हमको छोटा वाला स्टैटिक रोलर यूज़ करना पड़ता है वहाँ पे। उसके बाद लेवल मशीन चाहिए कि हम लोगों को लेवल देना पड़ता है WMM में, जैसे कि मैंने आपको GSB में बताया कि हम लोग जिस हिसाब से लेवल दे के पेक्स पे करते थे, उसी हिसाब से हमको यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग लाइन लगा के भी हम लेइंग करते हैं, और उसके हिसाब से हमको उसको लेवल देने के लिए लेवल मशीन चाहिए। उसके बाद सैंड रिप्लेसमेंट मेथड अपैरेटस, बोलने से हमको जो भी सैंड रिप्लेसमेंट का टेस्ट करना है उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो चाहिए। अब ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं।
दोस्तों चलिए देखते हैं साइट पे इसका कैसे लेवल चेक करना है, कैसे कंस्ट्रक्शन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं डब्ल्यू एम ए, मान ये हमारा डब्ल्यू एम ए मैक्सिमम हमारा सारी चीज़ें ये पेवर से ही लेड होती है। जब पेवर ये मान लीजिए थिकनेस है हमारा, ये थिकनेस लेड करते आगे जा रहा है, ऑलरेडी हमारी यहाँ जी एस बी नीचे, यहाँ जी एस बी नीचे हो चुका है। ठीक है सर, दोस्तों यहाँ पे जी एस बी इसका लेवल हमको पता है, तो हमारा ये लेवल भी हमको पता है कितना आना चाहिए ये दोनों तरफ। तो ये इस लेवल से जो भी हमारा यहाँ पे रोड का लेवल होगा 10-10 मीटर के इंटरवल पे, यहाँ पे और यहाँ पे, मान लीजिए शोल्डर साइड है या मीडियन साइड है, तो हमारा जो भी लेवल होगा उससे हम लोग ये पेग लगाया, ये पेग है और ये पेग से हम लोग यहाँ से 300 mm ऊपर ये स्ट्रिंग लाइन लगा देते हैं यहाँ पे, और इसी तरफ भी एक स्ट्रिंग लाइन लगा देते हैं और स्ट्रिंग लाइन डाल देते हैं, ये पेग लगाते हैं, इसके ऊपर मार्किंग दे देते हैं, इससे 300 mm, इससे हम लोग 250 में मान लीजिए ऊंचा दे दिया यहाँ से, माने जितना भी दे दिया यहाँ से, टॉप से हम लोगों ने 300 दे दिया या टॉप से 250 दे दिया या टॉप से 400 दे दिया, लेकिन नॉर्मली 300 में हम लोग देते हैं, मैंने यहाँ पे 250 में पकड़ा है। तो हम लोग सॉरी, मैंने इसका जो यहाँ से ये जो है ये यहाँ से हमारा जो मीन्स रिक्वायर्ड जो टॉप होगा हमारा, वहाँ से हम लोगों ने 300 में ऊंचा इसको हमारा लेवल दे चुके हैं हम लोग, तो हमारा 300 ले, ले दे चुके हैं हम लोग, तो हमको आफ्टर कॉम्पैक्शन ये जो है ये 300 मिलना चाहिए, यहाँ भी 300 मिलना चाहिए, यहाँ भी 300 मिलना चाहिए दोनों, तो हमारा टॉप लेवल अचीव हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग जब लूज थिकनेस छोड़ते तो मान लीजिए ये ऊपर चला जाएगा, तो थिकनेस ये 250 mm हमको आफ्टर कॉम्पैक्शन चाहिए, तो ये इस टाइम में 25 mm या 30 mm ज़्यादा हो गए, जो भी हमने कॉम्पैक्शन फैक्टर लिया होगा उसके हिसाब से, तो ये थिकनेस अभी कम दिख, मीन्स ये जो टेप से हम लोग ये डिस्टेंस चेक करेंगे तो अभी ये कम दिखाएगा, 280, 290 या 270 जो भी है जो साइड पे आएगा दिखाएगा। जब हम इसके ऊपर रोलिंग करेंगे तो ये दब जाएगा, तो ये 300 यहाँ पे अचीव हो जाएगा या 300 अचीव हो जाएगा, या मान लीजिए प्लस माइनस 10 mm में जो भी आएगा हमारा टॉलरेंस है उसके अंदर आ जाएगा, तो हमारे लेयर परफेक्टली कम्पैक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम उसके ऊपर टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे उसके कॉम्पैक्शन हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है मटेरियल की। तो हम लोग यहाँ पे सीव एनालिसिस एंड ब्लेंडिंग है, एक 100 क्यूबिक मीटर के लिए एक टेस्ट करना है, आउटर बॉक्स लिमिट पोर्शन ऑफ एग्रीगेट पासिंग 425 माइक्रोन सीव, एक टेस्ट करना है 100 क्यूबिक मीटर के लिए। उसके बाद MDD है 3000 क्यूबिक मीटर के लिए, दो टेस्ट करना है, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू की टेस्ट करना है हमको 200 क्यूबिक मीटर के लिए, एक टेस्ट करना है, वाटर ऑब्सॉर्प्शन करना है जहाँ से हमारा सोर्स है वहाँ पे एक टेस्ट करना है। उसके बाद फ्लैकीनेस इलोंगेशन इंडेक्स की टेस्ट करना है, एक टेस्ट करना है 200 क्यूबिक मीटर के लिए, और कौन सा कोड प्रैक्टिस में आता है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दी है, IS 2386 Part 1 Part 2 जो भी है, और उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट सामने मेंशन किया हुआ है, और हर डिज़ाइन के लिए अलग अलग होता है तो ये कंसिडर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट है, 250 स्क्वायर मीटर के लिए एक टेस्ट की जाती है, और फील्ड डेंसिटी की जाती है 1 test per every 500 स्क्वायर मीटर और 1 test per 250 स्क्वायर मीटर इफ़ NDM नहीं है सॉरी, न्यूक्लियर डेंसिटी गेज है, NDG यूज़ किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन या डब्ल्यू एम प्लांट, तो ये डब्ल्यू एम प्लांट में एक्चुअली ये डब्ल्यू एम कैसे बनता है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जो ये बीम्स देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 ये स्टोरेज टैंक की पकड़ लीजिए आप, ये बीम्स है, इसके अंदर हम लोगों ने जो भी हमारा एग्रीगेट है जो भी साइज़ का छोटा बड़ा 10, 20, 10 जो भी रिक्वायरमेंट है डब्ल्यू एम के अंदर, जो कि आपको मैंने बताया सीओ एनालिसिस, उसके हिसाब से इसके अंदर डोजर लोडर से इसके अंदर आके मटेरियल डाला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक बेल्ट है और ये यहाँ पे मिक्सिंग यूनिट है और नीचे एक टंक, यहाँ पे एक कैबिन लग जाता है, कैबिन के अंदर कंप्यूटर में सारी चीज़ें फीड होती है कि हमको कितने क्यूबिक मीटर के लिए कितना पानी चाहिए, कितना डब्ल्यू एम की कौन सा एग्रीगेट कितना चाहिए, हर चीज़ का उसमें फार्मूला दिया होता है। जब हम लोग उसमें बैच रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि इतना हमको बैच चाहिए, तो उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें वो बीम से खुलती है और बेल्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके मिक्सिंग यूनिट में चला जाता है, और वहाँ सारी चीज़ें मिक्स होके डंपर में वहाँ पे लोड किया जाता है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के लैब के जो इंजीनियर्स है उसको चेक करते रहते हैं प्रॉपरली उसमें फीडिंग हो रहा है नहीं हो रहा है,
और बेल्ट से मटेरियल आ रहा है, पीएनएम का आदमी भी बहुत प्रॉपरली चेकिंग करते रहता है, तो हर चीज़ चेक करते हैं। फिर उसके बाद मिक्स की क्वालिटी भी चेक की जाती है, ये सारी चीज़ें डब्ल्यूएम प्लांट पे की जाती है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसकी रिमिडीज़ क्या क्या है, तो हम लोगों को अगर मान लीजिए हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है कि हमारा अवेबिलिटी कितना है डब्ल्यूएम प्लांट का, उसके बाद उसका मिक्स ग्रेडेशन क्या है, थिकनेस और लेयर प्रॉपर है क्या नहीं है, कॉम्पैक्शन एंड वर्कमैनशिप, कन्फाइनमेंट एंड सेग्रीगेशन ऑफ मिक्स, ये सारी चीज़ें हमारे प्रॉब्लम्स में आती है। और फिर हमको इसके ऊपर ओवरकम करना पड़ता है कि अवेबिलिटी हमारे साइड पे बराबर मिलने के लिए हमारे पास गुड कंडीशन प्लांट है नहीं है, उसका रेगुलर मेंटेनेंस हो रहा है, उसको इंश्योर करना है, हमारा ग्रेडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है मिक्स के पहले, डिस्पैच होने से पहले, वो सारी चीज़ चेक करना है। GSB की लेवल क्या थी, ऊँची नीची तो नहीं थी, ज़्यादा ऊँची है तो भी दिक्कत है और ज़्यादा कम है तो भी हमारा थिकनेस बढ़ जाएगा, तो हमको GSB की लेवल चेक कर लेने है पहले। फिर हमारा 98% का कॉम्पैक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको हमको इंश्योर करना है। उसके बाद हमारा जो भी शोल्डर वगैरह है उसको इंश्योर करना है कि वो प्रॉपरली हुए है कि नहीं हुए, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि WM कंस्ट्रक्शन करते वक्त बहुत ही ध्यान में रखना है। और हम लोग उसको लेयर बाय लेयर करते हैं, और उसके बाद जब WM कास्ट हो जाती है तो उसको प्रॉपरली पानी से क्योर करना है। तो ये वीडियो था वेट मिक्स मैकेडम के ऊपर, तो थैंक यू दोस्तों एंड तक देखने के लिए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करना ना भूले, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।